हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों मैं मौजूद हूँ सिटी मॉल। जी हाँ दोस्तों, आज प्रेस शो था, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या पता है, आप ना अंदर से हिल जाने वाले, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। क्योंकि आज हमारे प्रेस शो में पहुँच चुकी हैं हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आइए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको कैसा महसूस हो रहा है प्रेस शो में आने के बाद? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था ये देने से देखने मिलेगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आज फाइनली जाके आपने प्रेस शो में देखा दमन हिंदी वर्जन। बहुत एक्साइटेड था, बहुत बेताब थी इसको देखने के लिए। फाइनली देखिए, फाइनली जाके आपने बोला था फाइनल फर्स्ट शो देखूंगा, नसीब था कि हम लोगों को प्रेस शो मिला और फाइनली आपने देखा। तो दोस्तों प्रियंका जी देख लिए हैं दमन सेकंड टाइम हिंदी में, तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे लोगों को किस खास तरीके से पसंद आई ये मूवी हिंदी वर्जन। तो चलिए प्रियंका जी आप बताएं हमें कि आपको कैसे लगी हिंदी वर्जन। तो आज दमन के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, प्रेस स्क्रीनिंग, एंड उसके लिए हमें इनवाइट आया था। तो आज मैं और मेरी टीम यहाँ पे आई थी मूवी देखने के लिए। सो ये है दमन, जो आज हमने यहाँ पे देखी इस मूवी को हिंदी डब में। सो अब मैं शुरू करती हूँ अपने रिव्यू से, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना एंड जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? इसमें मैं कुछ बताने वाली हूँ। अब दमन को हिंदी में बात करूँ तो मैं बता नहीं सकती, आप खुद देख लो, देखो ऐसे। मतलब हमने जब भी ओडिशा में, मतलब ओडिया लैंग्वेज में देखी थी, तब हमें इतना अच्छा लगा था कि हम चाहते थे कि इसको हिंदी में लाओ, हिंदी में लाओ, हमें दिखाना था। बट हिंदी डब देख के ना मुझे मूवी का डबल मज़ा आ गया। वो इसीलिए क्योंकि हिंदी डब की आवाज़ जो थी संकेत सर की, इट वॉज़ अमेजिंग। जिस तरीके से उसमें उन्होंने बातें की, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने अपने डायलॉग्स बोले, एक एक सीन बढ़िया था। हिंदी डबिंग मास्टरपीस है। मतलब जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़्यादा ही हमें मिला है इसमें। मतलब इतना अच्छा लग रहा है मूवी देखकर निकले। बाबूशान सर के लिपसिंग और डबिंग दोनों मैच हो रही है, सीन्स भी अच्छे हैं, कुछ चेंजेस नहीं, कुछ नहीं। दीपन्वित सर का जो परफॉर्मेंस था वो भी काफ़ी अच्छा निकला उसमें। मतलब हमें उसमें डायलॉग्स नहीं सुनाए, मतलब समझ में आ रहे थे, बट यहाँ पे देखा प्रतीक्षा में उनको देखो और यहाँ पे देखा जमीन आसमान का फ़र्क है। एंड रियल में उनको देखो तो हम बोल ही नहीं सकते कि वही एक्टर है जिनको हम मिलकर आए हैं, एंड ये वही है, मतलब टोटल डिफरेंट कैरेक्टर। यू नेल्ड योर परफॉर्मेंस दीपन्वित सर एंड बाबूशान सर, सीरियसली आपने और दिल जीत लिया हमारा। मतलब हम, मैं बता नहीं सकती, स्क्रीन पे जब आपको देखा हिंदी डबिंग में, इट वॉज अमेजिंग। हिंदी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन यहाँ पे पब्लिक बहुत कम थी, मीडियाज भी बहुत कम थे। अब इसको मैं दोबारा देखूँगी फर्स्ट डे पे जब रिलीज़ होगी अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज मैं उनको ही दिखाना चाहती हूँ। एंड आज भी मैं यही बोलूँगी कि इसमें वो चीज़ है जो सबको देखनी चाहिए। एंड म्यूज़िक की बात करूँ तो इसमें गौरव सर ने जो म्यूज़िक दिया है एंड जिसने ये गाना गाया है ना, म्यूज़िक में और डबल जान डाल देती है। बहुत अच्छा लगा देखकर। जिन्होंने ये बाबूशान सर की आवाज़ दिया है, संकेत सर, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये आवाज़ इतनी अच्छी मैच हो रही है, हालांकि इसमें कोई पावरफुल डायलॉग्स नहीं है ना, कोई वो बोलते ना कुछ नहीं है, बट इसमें एक एक सीन आप देखो ना तो आप यही बोलोगे कि यार क्या डबिंग आर्टिस्ट चाहिए। मतलब मूवी का दुगना ही मजा आप लोगे। एंड गाने तो बैकग्राउंड में जब बजते हैं ना, आपको इतना अच्छा लगेगा। स्पेशली कोई है क्या जो गाना बजता है ना, वो आपको दिल में छू जाएगा। वो गाना बहुत अच्छा गाया है उस गाने को गौरव सर ने, तो मैं ना उनको हैट्स ऑफ करती हूँ उनके म्यूज़िक के लिए। वो एक्चुअली उनको कोई पूछता ही नहीं है, कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा है, बट गौरव सर जैसे म्यूज़िक आर्टिस्ट की ना हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत है, इंडस्ट्री में उनकी ज़रूरत है, लेकिन कोई उनको पूछ ही नहीं रहा है। सो आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ इस मूवी को जाके देखो। एंड एक और बात बोलना चाहूँगी इस मूवी को लेके कि आप सबको देखनी चाहिए, फैमिली को लेके, फैमिली में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी है ना, बड़े बुजुर्ग, उन सबको लेके जाओ। मैं तो ये ऐसी मास्टरपीस मूवी है ना कि सबको देखनी चाहिए। हिंदी में आई है, विशाल सर ने इतना टाइम लिया, आप देख ही सकते, 2 महीने का टाइम लिया उन्होंने डबिंग करके यहाँ पे हिंदी में लाने के लिए, तो उनकी मेहनत दिख रही है। एंड इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी है जो हमें ओडिया लैंग्वेज में नहीं समझ में आई थी, सबटाइटल्स में भी नहीं पता चला, बट कुछ कुछ बातें ऐसी है जो सच में दिल को छू जाती है। वो जो अंधविश्वास वाला जो था ना, हार्ट टचिंग। मतलब ऐसा हमें एक्चुअल में रियलिटी दिखाई है कि जो बोलते हैं ना बाबा, उन लोग जो रहते हैं ना, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। उनको नहीं पता होता है कि हमारे अंदर क्या है। एक डॉक्टर ही हम बता सकते हैं, डॉक्टर से याद आया, दिस मूवी इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द डॉक्टर्स। ये मूवी सच में, मैं बोलूँ ना कि एक डॉक्टर्स की टीम होती है ना, उन लोग को तो ये खास दिखनी चाहिए हॉस्पिटल्स में। मतलब बोले प्रोजेक्टर लगा के दिखाओ,
मतलब वो स्पेशली उनके लिए है एंड आई सल्यूट ऑल द डॉक्टर्स, क्योंकि एक डॉक्टर ही भगवान होता है। वो जब बैठते हैं ना वो बाबा लोग, वो कुछ नहीं करते, डॉक्टर्स ही भगवान होते हैं, वही ये सब करते हैं। एंड डॉक्टर्स बोलते हैं ना ऐसे, मतलब मरीजों की जान नहीं बचाते हैं, चमत्कार उनके ही हाथ में होता है, जो वही कर सकते हैं। इंटरवल सीन के बारे में क्या पर है, वो ट्रेनर हो? इंटरवल सीन तो मुझे ना बोले ना रुला दिया मुझे इंटरवल सीन ने, बिकॉज उसमें बाबूशान सर ने जो एक्सप्रेशन दिया वो एकदम, मतलब वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो मतलब उनको उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करे, बस उधर ही इंटरवल होता है। बट वो सीन देखे ना आपको अपना इमोशनल होना ही होना है। आपको बाबूशान सर का वो पेन दिखेगा कि यार ये डॉक्टर इतना बोले ना, उनका वो पेन दिखेगा आपको। इंटरवल सीन वॉज वेरी हार्ट टचिंग, एंड इंटरवल के बाद जब वो सीन कंटिन्यू होता है ना, आप लिटरली रो पड़ोगे वो सीन में, रो दोगे वो सीन में। एंड देन उसके बाद जो होता है ना, वो आपसे मूवी, आप मूवी देखो आपको पता चलेगा उसके बाद क्या होता है। मैं स्टोरी तो रिवील नहीं कर सकती, आप देखो हम अभी आए हैं यहाँ पे, अभी जस्ट मूवी ख़त्म हुई है। बट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन, डोंट मिस दमन। ये भी हिंदी में सुनकर निकले हैं ना हम, इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लगे कि अब थर्ड फेवर में दोबारा चले जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है यार देख के कसम से। अवार्ड ऑस्कर, ऑस्कर जैसे कांतारा के लिए हम ऑस्कर कर रहे थे, वैसे दमन ऑल्सो रिसीव्स ऑस्कर अवार्ड। ये छोटी इंडस्ट्री से आए हैं बट बोलते ना पब्लिक के अंदर ना दिलों में मैंने अपनी जगह बना ले गई। ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मूवी, लवली। एंड जिस तरीके से हमने उनको रियलिटी में मिलकर हमने कॉन्वर्सेशन किया था ना, यू नो मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि यार हम ऐसी मूवी को सपोर्ट करते हैं और हमें उसका फल भी मिलता है। बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। चलिए एंड में ऑडियंस को क्या कहेगा? ऑडियंस को मैं यही बोलूँगी कि देखो हमने इस मूवी को देखा बिकॉज हिंदी में मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझसे रहा नहीं गया, इसके लिए जैसे इन्वाइट आया मैं देखने चले गई। लेकिन एंड हो सकता है उसके बाद भी जाओ, बिकॉज ये नहीं रुकने वाला, बस ये मूवी ना चलते जाएगा। एंड ये जैसे कांतारा आई थी तो कैसे लोगों में अवेयरनेस फैल के वो 2-3 महीने तक रही थी, वैसे इसका होना चाहिए। बस पठान की वजह से थोड़ी मार खा रही है मूवी, मतलब अटक रहा है, बट नॉट अ प्रॉब्लम, ये अभी नहीं तो बाद में कैच कर लेगी मूवी, लेकिन होगा ज़रूर। ये मूवी ना एक सीख देगी सबको एंड एक रियलिटी दिखाएगी एंड आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो गाँव में क्या था। गाँव से याद है 151 विलेजेस है। एक और चीज़ की मैं काबिले तारीफ करना चाहती हूँ, इसके लोकेशंस आप जाके देखो, नज़ारे देखो, सीनरी देखो, आपको प्यार हो जाएगा सीनरी से। लिटरली वो गांव का माहौल दिखाए, गांव के लोग दिखाए, कुछ कुछ फनी सीन्स भी है गांव के लोग, उस वक्त हमें पता नहीं चला था, बट यहाँ पे वो मतलब हिंदी में नीचे लिख कर रहा था, पता चले एग्जैक्टली इसका क्या डायलॉग का मीनिंग था। तो इतना कॉमेडी, थोड़ा इंटरवल के पहले ना मिक्सड इमोशंस रहेगा, लेकिन इंटरवल के बाद ना अपना इमोशनल भी हो जाओगे, आप कुछ सीख कर भी निकलोगे। सो डोंट मिस दमन। अभी मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जाके देखो इस मूवी को, डोंट मिस दिस मूवी। सो ऑडियंस मैंने अपनी बात रख दी है, आप बताइए कि आपने क्या फैसला किया, आपको दमन देखनी है कि नहीं देखनी है। ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनती है, दिस इज अ मास्टरपीस मूवी, प्लीज़ डोंट मिस दिस मूवी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। 2 घंटे की मूवी है ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया उन्हें, बस 2 आवर्स मूवी, अपने लाइफ में से बस अपने बिजी शेड्यूल में से 2 घंटे निकाल के इस मूवी को दो। आई चैलेंज यू, अगर किसी ने इस मूवी को बोर कर दिया, बोले कि बोरिंग है या कुछ है, उसको मेरे सामने लाओ जिसने बोल दिया वो, किसी को मूवी बोरिंग नहीं करेगी। इट्स अ लवली मूवी, गो एंड वॉच। सो मेरा वाला वीडियो पसंद है, मेरा कंटेंट पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अवेयरनेस फैलाइए ताकि जितना हो सके लोगों तक पहुँचे मैसेज के मूवी को जाके देख रहा है। सो मेरे अगली वीडियो में तभी देखते रहे, बॉलीवुड मैगजीन बॉय।